श्री परमात्मने नमः, राम राम। सनातन ऑन यूट्यूब इस चैनल पर और श्रीमद् भागवत गीता के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बहुत गहराई से यह सोचता है कि अपने ही लोगों को वह कैसे मारेगा। इसमें उसे कठिन पीड़ा और बहुत बड़ा पाप नजर आता है, इसलिए वह इस युद्ध को न करने की इच्छा रखता है और अपना गांडीव धनुष रथ के कोने में जाकर रख देता है। अब हम आगे देखने वाले हैं अध्याय नंबर दूसरा, श्लोक नंबर 1 से लेकर तो 10 तक। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर पहला। संजय उवाच, तम तथा कृपय विष्टमिश्रु पूर्ण कुलेक्षण विशीदन तमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्थ, संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत, उसका मन दुखी और उसकी आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द कहे। श्लोक नंबर 2, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। अर्थ, भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में इस भ्रम ने तुम्हें कैसे पराजित कर दिया है। यह एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता, यह ऊंचे लोगों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। श्लोक नंबर 3, क्लेब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता वोतिष्ठ परंतप। अर्थ, हे पार्थ, इस अपुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता, हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। श्लोक नंबर 4, अर्जुन उवाच, कथ भीष्मम अहम सांख्य द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रत्युत्सयामी पूजर हवरी सूदन। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के संहारक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर तीर कैसे चला सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य हैं। श्लोक नंबर 5, गुरुन हत्वा हे महानुभव श्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पिहा लोकय हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहे भुंजिया भोगान रुधिरा प्रदीक धान। अर्थ, इन महान बुजुर्गों जो मेरे शिक्षक हैं को मारकर जीवन का आनंद लेने की तुलना में इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार डालें तो जो धन और सुख हम भोग रहे हैं वे रक्त से कलंकित हो जाएंगे। श्लोक नंबर 6, न क्षेत्रद्विदम कतारन नो गरियो यद्वा जयमा यदि वा नो जयो याने हत्वा न जिजि विषमास ते वस्तिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। अर्थ, हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीतना। उन्हें मारने के बाद भी हमें जीने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष ले लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। श्लोक नंबर 7, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छमी त्वाम धर्म समुद्धचेता यच छरेया स्यान निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम टीवी आम प्रपन्नम। अर्थ, मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ और चिंता और बेहोशी से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ, कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दे कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। श्लोक नंबर 8, न हे प्रपश्यामि ममापन उद्याद यच शोकम उच्छोषाण इंद्रियानाम अवाप्य भूमवस्पतनाम ऋत्सिधम राज्यम सुरानाम पी चाधिपत्यम। अर्थ, मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है, भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूं या दिव्य देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल कर लूं, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ होऊंगा। श्लोक नंबर 9, संजय उवाच, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिन बभूभ। अर्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दंडित करने वाले गुडाकेश ने ऋषिकेश को संबोधित किया, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। श्लोक नंबर 10, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन भारत सेनायोर्भयोर मध्ये विशीदांतम इदम वाच। अर्थ, हे धृतराष्ट्र, उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुख से पीड़ित अर्जुन से निम्नलिखित शब्द कहे। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा और उसे बताया कि भले ही ठीक होगा धर्म के हिसाब से, लेकिन अर्जुन के मन में जो पीड़ा है, जो उत्खनन मचा है कि वो उसके ही गुरुओं का विनाश करने के बाद, उसके ही गुरुओं का उसके ही हाथों से मारने के बाद वह कैसे क्या पाप से मुक्त होगा, क्यों उसे पाप नहीं लगेगा,
भले ही वह ये युद्ध जीत जाने के बाद सुख समृद्धि और राजाओं का जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खलन रहेगी। इस वजह से वह युद्ध नहीं करना चाहता। बस ये कहकर वह चुप हो जाता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय दूसरे में स्थित श्लोक नंबर 1 से लेकर तो 10 तक। आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन।